नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज का अपना टॉपिक रहेगा ट्रांसफार्मर, यानी ट्रांसफार्मर होता है क्या है, किस तरह से कार्य करता है। ठीक है, कौन सी सप्लाई पे कार्य करेगा, एसी पे करेगा, डीसी पे करेगा। एसी सप्लाई कौन सी होती है, डीसी क्या होती है। एसी पे कार्य करेगा तो क्या होगा, डीसी पे कार्य करेगा तो क्या होगा। एसी पे काम क्यों लेते हैं, डीसी पे काम क्यों नहीं लेते हैं, ट्रांसफार्मर के भाग, ट्रांसफार्मर में क्या क्या होता है, इसके जो पार्ट्स है, ठीक है, ट्रांसफार्मर में जो वोल्टेज होती है उसको कैसे कम ज़्यादा करते हैं, एंड ट्रांसफार्मर की पूरी जीरो से लेकर पूरी अब तक जो इसकी जानकारी है वो पूरी हम अपने वीडियो में जो लेसन है उसमें अंदर हम इसको क्लास में पूरा पढ़ेंगे। तो अपने वीडियो के साथ क्लास साथ बने रहे अपने यूट्यूब चैनल पर, और अगर आप नए जुड़े हुए तो अपने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं ट्रांसफार्मर। सबसे पहले ट्रांसफार्मर होती क्या है, ट्रांसफार्मर क्या है, कि स्थैतिक युक्ति है, यानी कि एक स्थैतिक युक्ति कहने का मतलब ये हो गया कि एक स्थायी युक्ति है ट्रांसफॉर्मर। जैसे कि मान लो आपने पोल देखा होगा तो पोल के ऊपर पोल माउंटेड जो अपना ट्रांसफार्मर होता है वो रखा होता है, यानी क्या होता है कि स्थिर युक्ति होती है, यानी एक जगह रखी हुई युक्ति होती है। जैसे कि मान लो एक होती है थ्री फेज इंडक्शन मोटर, क्या होती है, थ्री फेज इंडक्शन मोटर। जैसे मान लो थ्री फेज क्या है अपनी इंडक्शन, इसमें क्या हो गया शाफ्ट, ठीक है, यहाँ क्या देंगे इसमें हम थ्री फेज सप्लाई आर वाई बी। ट्रांसफार्मर क्या होता है, थ्री फेज और दो फेज, या तो दो फेज वाला होगा या थ्री फेज, यानी सिंगल फेज और थ्री फेज। ये मान लो अपना थ्री फेज क्या है, मोटर है अपनी एसी वाली, ठीक है। अब इसमें क्या देंगे हम सप्लाई देंगे तो मोटर क्या होगी, घूर्णन, यानी जो मोटर होगी जो उसके साफ क्या करेगी, घूर्णन गति करेगी। तो उसी तरह ट्रांसफार्मर होता है, ट्रांसफार्मर क्या होता है, उसके अंदर हम सप्लाई देते हैं और उसके अंदर क्या बनता है, चुंबक बनता है, और चुंबक से क्या बनता है, उसके पास में रखी दूसरी कुंडली में क्या बन जाता है, चुंबक। तो उसी तरह से जो मोटर होती है, मोटर में क्या देते हैं, स्टेटर वाइंडिंग है, उस पर हम क्या देंगे, सप्लाई देंगे, और उसके पास में जो मध्य में क्या होगा, रोटर, रोटर के अंदर क्या होती है, कुंडली, और वो क्या करने लगे, घूर्णन गति करने लग जाती है। दोनों में डिफरेंस क्या होता है कि ट्रांसफार्मर क्या है, एक स्थिति युक्ति है, जबकि मोटर क्या है, एक घूर्णीय युक्ति है, एक गतिमान करने वाली युक्ति है। दोनों में अंतर यही है बस। अगर सिद्धांत की बात करें तो ट्रांसफार्मर फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर क्या करता है, कार्य करता है, जबकि मोटर भी क्या होती है, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर ही कार्य करती है। बट मोटर में हम बोले तो इलेक्ट्रोमैग्नेट ड्रैग, यानी कि चुंबकीय खिंचाव बल के सिद्धांत पर क्या करती है, कार्य। जबकि होगा नियम कौन सा, वही फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम। हम बात करें ट्रांसफार्मर, ठीक है, तो सबसे पहले ट्रांसफार्मर की बात करें तो ट्रांसफार्मर क्या होता है, स्थिति की युक्ति होती है। अब ट्रांसफार्मर क्या की जो बात करें तो ट्रांसफार्मर किस पे कार्य करता है, एसी पर चलता है, यानी कि वर्क करता है, कार्य किस पे करता है, एसी। एसी को बोलते हैं प्रत्यावर्ती धारा, अल्टरनेटिंग करंट, यानी कि प्रत्यावर्ती धारा, अल्टरनेटिंग करंट। अगर हम ट्रांसफार्मर की बात करें तो सामान्य जो ट्रांसफार्मर होगा उसकी दक्षता की बात करें तो कितनी होती है, 98%, यानी कि 95 से 98% क्या रहती है, दक्षता। अगर दोनों कुंडलियों के मध्य, अगर दोनों कुंडलियाँ जैसे प्राथमिक और सेकेंडरी, इनके मध्य प्रतिरोध की बात करें तो वो क्या होता है, उच्च, क्या होता है, उच्च। अब इसके अलावा क्या होता है, आइडल, यानी कि सपनों का, एक सोच का, विचारों का ट्रांसफार्मर, आदर्श ट्रांसफार्मर बोलते हैं उसे, क्या बोलते हैं, आदर्श ट्रांसफार्मर। तो उसमें होता है क्या है कि उसकी दक्षता की बात करें, ठीक है, तो उसकी दक्षता क्या रहती है, हमेशा 100%, किसकी, आदर्श। जबकि उसकी प्राथमिक और सेकेंडरी कुंडली के मध्य प्रतिरोध की बात करें तो वह क्या रहेगा, अनंत। प्राथमिक और जो सेकेंडरी कुंडली होगी, यानी कि प्राइमरी और सेकेंडरी जो कुंडली है, उनका प्रतिरोध क्या होता है, अनंत, इन्फिनाइट, ठीक है। तो ये ट्रांसफार्मर की बेसिक सी जानकारी होगी कि ट्रांसफार्मर किस पे चलता है, एसी पे चलता है, ना कि डीसी पे। अगर आप कहीं स्टूडेंट का क्वेश्चन रहता है कि सर पूछा गया अभी कि ट्रांसफार्मर एसी पर ही क्यों चलता है, तो उसका एक रीजन होता है, यानी कि उसका क्या होता है, रीजन होता है, कारण होता है कि ट्रांसफार्मर एसी पर ही कार्य क्यों करता है, डीसी पर क्यों नहीं करता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि बाकी जानने के बाद हम देखेंगे, पहले देखते हैं कि ट्रांसफार्मर एसी पर ही कार्य क्यों करता है, डीसी पर क्यों नहीं चलता है। और जो एसी पे ट्रांसफार्मर होता है वो वोल्टेज क्या करता है, स्टेप अप और स्टेप डाउन, यानी कि ट्रांसफार्मर है जो प्रेरणा मित्र है वो क्या करता है, वोल्टेज को बदलता है, ठीक है, वोल्टेज को
बदलता है। इसके अलावा क्वेश्चन आ जाए, कई बार पूछा क्वेश्चन है कि ट्रांसफॉर्मर बदलता है, जैसे मान लो यहाँ आ गया पावर, ठीक है, तो ट्रांसमिशन वितरण ट्रांसमिशन करता है, तो वो ट्रांस देखो यहाँ आ जाए क्वेश्चन कि बदलता है तो किसको बदलेगा, वोल्टेज को, इसके अलावा धारा, ट्रांसफॉर्मर बदलता है तो बदलता है वोल्टेज और धारा को क्या करता है, बदलता है, जबकि ट्रांसमिशन किसकी बात करें, ट्रांसमिशन तो ट्रांसमिशन करता है हमेशा जो ट्रांसफॉर्मर वो करता है पावर का अर्थात शक्ति, पावर का क्या करता है हमेशा ट्रांसफॉर्मर, ट्रांसमिशन, जबकि बदलता किसको, वोल्टेज और धारा को, वोल्टेज क्या करता है बढ़ाता है और घटाता है, यानी स्टेप अप और स्टेप डाउन, किसके अंदर, एसी के अंदर ना कि डीसी के अंदर। अब बात करते हैं एसी के अंदर ही कार्य क्यों करता है, देखो जैसा कि आपको पता होगा कि भारत के अंदर फ्रीक्वेंसी का मान कितना होता है 50 हर्ट्ज, यानी कि जो भारत के अंदर फ्रीक्वेंसी का मान होता है एसी के अंदर आवृत्ति का मान होता है 50 हर्ट्ज। तो जैसे कि हम एक प्री एसी थ्योरी के अंदर एक परिपथ आता है जैसे कि आरएल परिपथ, आरएलसी परिपथ, जो ट्रांसफॉर्मर होता है वो होता है आरएल परिपथ, यानी कि प्रतिरोध और क्या होती है इसमें प्रेरक, प्रतिरोध और प्रेरक दो चीजें होती है, यानी कि आर हो गया और एक हो गया एल, आर का मान किसमें होता है ओम में और एल का हेनरी में, तो दो चीज किसमें होती है ट्रांसफॉर्मर के अंदर, आर और एक एल, एल यानी कि कुंडली, ठीक है, तो कुंडली का मान किसमें होता है हेनरी में, और एक होगा जो वायर तार है, ठीक है, उसका क्या होता है प्रतिरोध, और उसका मान किसमें होगा ओम में, तो ये दो चीज़ें हो गई। अब इसके आधार पर देखते हैं कि ट्रांसफॉर्मर एसी पर ही किस तरह से कार्य करता है, यानी कि भारत के अंदर फ्रीक्वेंसी का मान कितना होता है 50 हर्ट्ज। अब मान लो कि जो ट्रांसफॉर्मर की कुंडली है, क्या ट्रांसफॉर्मर की कुंडली है, तो कुंडली को जो मान है वो मान लें हम 10 हेनरी, ठीक है, यानी जो चालक तार लंबाई है उसकी मान कितना मान लिया हमने 10 हेनरी। अब यहाँ एसी की बात करें तो इसके अंदर मान लो कि एल हो गया, तो एक एक्सएल यानी कि इंडक्टिव रिएक्टेंस, हमें इंडक्टिव रिएक्टेंस का मान निकालना है, तो उसका एक फॉर्मूला चलता है 2πfL, 2πfL, या पाई का मतलब हो गया फ्रीक्वेंसी और L का मतलब हो गया प्रेरक इंडक्टेंस, ठीक है, तो XL का मान निकालना है तो 2 गुणा पाई का मान होता है 22/7 या फिर 3.14, यहाँ 22/7 ले सकते हैं और 3.14, मान लो कि हम 3.14 इसका मान ले रहे हैं, तो गुणा फ्रीक्वेंसी का मान कितना है 50 हर्ट्ज और इसका हेनरी का मान कितना आ गया 10 हेनरी। हमें निकालना क्या है इंडक्टिव रिएक्टेंस, प्रेरकीय प्रतिघात, यानी कि इसका मतलब होता है कि कुंडली के मध्य जो एक्सएल जो आरएल परिपथ है उसके मध्य कितनी रुकावट आ रही है उसका मान हमें निकालना है, तो एक्सएल का मान निकालते हैं 2 × 3.14 × 50 × 10, इसकी अगर हम कैलकुलेशन करते हैं तो 2 × 3 = 26, 50 और ये 10 ही हो जाएगा 31/44, तो एक्सएल का मान हो गया 31/44 ओम। यहाँ आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है कि जो मान आएगा ना वो किस में आएगा, हमेशा ओम के अंदर, ठीक है, तो इससे पता चलेगा कि आपको कि जो ट्रांसफॉर्म एक हम मान माने थे कितना ट्रांसफॉर्म कुंडली का 10 हेनरी, तो इस तरह जो मान यानी क्या आ गया इसके अंदर रुकावट आ गई कि एसी के अंदर क्या आ रही है कुछ रुकावट आ रही है अपनी। अब बात करें डीसी की, ठीक है, ध्यान से देखना इसको, यहाँ बात करते हैं एसी की, अब बात करते हैं डीसी की। एसी का मतलब होता है प्रत्यावर्ती धारा अल्टरनेटिव करंट, और यह हो जाएगा डायरेक्ट करंट या दिष्ट धारा, ठीक है, जो प्रत्यावर्ती धारा होती है उसके चलने का वह इस तरह से चलती है, जबकि जो दिष्ट धारा होती है वो क्या चलती है प्लस से माइनस सीधी चलती है। अब इसके बात करें डीसी की, तो डीसी के अंदर जो फ्रीक्वेंसी का मान कितना होता है वो होता है 0 हर्ट्ज, कितना होता है 0 हर्ट्ज किसकी, डीसी के अंदर। इसके अलावा बात करें हम वही एल, तो एल का मान कितना माना हमने 10 हेनरी।
हमें वही निकालना आरएल परिपथ अपना एक्सएल, ठीक है। तो एक्सएल बराबर क्या हो जाएगा, 2πfL, यानी कि 2π गुणा फ्रीक्वेंसी गुणा एल यानी प्रेरक। अब यहाँ एक्सएल का मान निकालना है तो 2 × 3.14 × फ्रीक्वेंसी का मान कितना होगा, 0 × 10। तो यहाँ देखो बीच में क्या आ गया, जीरो। फ्रीक्वेंसी का मान जब जीरो आ गया तो किसी भी संख्या को हम जीरो से गुणा करते हैं तो पूरा मान क्या हो जाता है, शून्य। तो यहाँ एक्स एल का मान कितना हो गया, 0 ओम। तो कहने का मतलब ये हो गया कि डीसी के अंदर जो रुकआउट का मान आ रहा है वो कितना आ रहा है, 0 ओम। यानी कि डीसी के अंदर कोई रुकआउट नहीं आ रही कुंडली के अंदर, यानी धारा जितनी देंगे तो उसका पूरे का पूरा धारा क्या जाएगी, अपनी कुंडली के अंदर जाएगी। और यहाँ क्या है कि 3140 के आ गया, एसी के अंदर रुकआउट का मान आ रहा है। अब एक बात, जैसे कि मान लो कोई व्यक्ति है, उसकी कोई क्षमता 100 kg वजन उठाने की, कितना वजन, 100 kg वजन। अब उसे हम 100 kg वजन उसके सिर पर लाद के हम उसे लेके जो जा रहा है, तो उसकी जो क्षमता रहेगी वो तब तक क्या करता रहेगा, उसको सहन करता रहेगा, ठीक है। यानी उसके अंदर जो एनर्जी है तो वो एनर्जी से उसे क्या सहन करता रहेगा। तो उसी तरह से जो ट्रांसफॉर्मर है जिसके एसी पे कार्य कर रहा है, तो उसकी क्या क्षमता है, यानी कि मान लो कि सहन को उसके अंदर प्रतिरोध रुकआउट है, जो धारा आ रही है तो धारा क्या कि वो रुकआउट उसके अंदर तो वो सहन करता रहेगा। जैसे मान लो ट्रांसफॉर्मर एक कुंडली प्राइमरी, इसके अंदर धारा प्रवाहित होगी, जिसके मान लो यहाँ धारा प्रवाहित क्या होगी, इसके अंदर प्रवाहित होगी, तो इसके अंदर क्या बनेगा, चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। तो इसकी जितनी शक्ति रहेगी ना, जितना रुकआउट का मान रहेगा उतनी तो क्या करता रहेगा, धारा को सहन करता रहेगा। जैसे मान लो लैंप होता है, 100 वाट का लैंप होता है, उसे हम अगर सिंगल फेज यानी कि 230 वोल्ट सप्लाई पर जोड़ते हैं तो जलता रहता है। अगर उसी लैंप को हम 230 की जगह 500 वोल्ट सप्लाई देंगे तो क्या होगा, वो उसे क्या हो जाएगा, फ्यूज हो जाएगा, बिल्कुल सही है। तो फ्यूज क्यों होता है, क्योंकि उसकी क्षमता से क्या, हम उसे परे यानी क्षमता से अधिक अधिक उसकी क्षमता है जिसकी 230 वोल्टेज लेने की। तो सामान्य लैंप था, उसकी 230 वोल्टेज लेने की क्षमता थी और उसे हम 500 वोल्टेज दे रहे हैं, तो 500 वोल्टेज क्या हो जाएगा, फ्यूज हो जाएगा। तो उसी तरह जो ट्रांसफॉर्मर है एसी पर इससे चलेगा, क्योंकि इसके अंदर क्या रुकावट है, और जब डीसी है तो डीसी के अंदर कोई रुकावट नहीं होगी, तो कुंडली क्या हो जाएगी, अपनी जल जाएगी। क्यों, क्योंकि चुंबक जिसके अंदर, चुंबक को क्या बनेगा, अधिक शक्तिशाली, जब कोई रुकआउट नहीं होगी। जैसे मान लो कि रेलवे ट्रैक है, बीच में क्या लगा था, फाटक, बसें वगैरह जो साधन वाहन जाते हैं, अगर फाटक ही नहीं होगा और ट्रेन आएगी एकदम से सामने से जो गाड़ी आएगी तो क्या होगा, एक्सीडेंट हो जाएगा। तो उसी तरह से क्या होता है कि यहाँ पर जो रुकआउट है एसी के अंदर रुकआउट है, और उसी रुकआउट की वजह से क्या करता है एसी पर कार्य, ना कि डीसी पर। डीसी में रुकआउट का मान क्या होता है, शून्य। तो इसी तरह डीसी पर क्या नहीं करता, अपना ट्रांसफॉर्मर कार्य नहीं करता है। तो ट्रांसफॉर्मर किस पर कार्य करता है, हमेशा एसी के ऊपर। और किस सिद्धांत पर कार्य करता है, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम के आधार पर कार्य करता है। कौन सा, अपना सामान्य ट्रांसफॉर्मर। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और अपने यूट्यूब चैनल पर अगर नए जुड़े हो तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और क्लास के अंत तक जरूर बने रहे। अब देखिए ट्रांसफॉर्मर के बारे में जान गए, किस सिद्धांत के बारे में इसके, ठीक है, कि कुंडलियाँ किस तरह से कार्य करती है इसमें। तो ट्रांसफॉर्मर में मुख्यतः कितनी कुंडली होती है, दो। एक तो होती है अपनी प्राइमरी और एक होती है अपनी सेकेंडरी, यानी कि प्राथमिक कुंडली और द्वितीयक कुंडली। अब आपको ये डिसाइड नहीं करना कि डायरेक्ट कि सर ये तो हो गई प्राथमिक और ये हो गई द्वितीयक, आपको यानी कि देखना कैसे प्राथमिक तो कौन सी होगी और द्वितीयक कौन सी होगी। तो दोनों का एक प्राथमिक कैसे निर्धारित करते हैं, जिसे हम सप्लाई स्रोत से जोड़ते हैं। कहने का मतलब ये हो गया कि जिसे हम सप्लाई से जोड़ रहे हैं ना, तो वो तो कौन सी हो जाएगी, प्राथमिक। और जिसे लोड से कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, वो कौन सी हो जाएगी, अपनी द्वितीयक कुंडली। जैसे मान लो यहाँ मैं एसी सप्लाई जोड़ रहा हूँ, इसे एसी सप्लाई, ठीक है, तो जो एसी सप्लाई से जोड़ रहे हैं तो वो तो हो जाएगी अपनी प्राथमिक कुंडली, यानी कि प्राइमरी वाइंडिंग। और जिसे मैं लोड से जोड़ रहा हूँ, यहाँ मैंने एक प्रतिरोध जोड़ दिया, ये क्या हो गया, अपना लोड। तो जिसे मैंने सप्लाई से जोड़ा तो वो तो हो गई अपनी
प्राथमिक यानी प्राइमरी वाइंडिंग, और जिसे लोड से जोड़ा वो कौन सी हो गई, सेकेंडरी वाइंडिंग। तो आपको हमेशा और हमेशा इसी तरह से ध्यान रखना है कि जिसे सप्लाई से जोड़ा जाता है तो कौन सी कहलाएगी अपनी, प्राइमरी, और जिसे लोड से जोड़ा जाता है वो सेकेंडरी। अगर मैं इस साइड सप्लाई कर दूं इस साइड, मैंने कह दिया सप्लाई कहाँ पर है, इस साइड, तो ये कौन सी बन जाएगी, प्राइमरी। अगर मैं कह दूं लोड इस साइड जुड़ा हुआ है, ये कौन सी बन जाएगी अपनी, सेकेंडरी। जैसे कि यहाँ सप्लाई है तो यहाँ कौन सी रहेगी, प्राथमिक। अगर यहाँ सप्लाई है तो यहाँ कौन सी रहेगी, प्राथमिक। यहाँ अगर लोड जुड़ा हुआ है तो सेकेंडरी, और यहाँ सप्लाई जुड़ी तो प्राथमिक। तो आपको हमेशा कुंडली और निर्धारण इसी तरह से करना है कि जिस साइड सप्लाई जुड़ी हुई है तो वो कौन सी रहेगी अपनी, प्राइमरी, और जिस साइड लोड जुड़ा हुआ वो कौन सी रहेगी, सेकेंडरी वाइंडिंग। अब बात करते हैं दोनों कुंडलियों के कनेक्शन की, किस तरह से क्या करने, वाकई में इसके कनेक्शन होते हैं या नहीं होते हैं। यानी कि आपके माइंड में कहीं रहता है कि सवाल कि दोनों कुंडलियाँ, जैसे मान लो कि 11,000 की लाइन आ रही है 11 kV की, और हमें 433 वोल्टेज मिल जाती है, तो क्या बीच में कुछ कनेक्शन होता है क्या, किस तरह से हमें सप्लाई मिलती है, वो एक मेन रीज़न होता है इसमें जानने का। तो इनके मध्य क्या कि कोई विद्युत गणना यानी विद्युत के रूप से कोई जुड़ी नहीं होती है, यानी कि सिर्फ क्या होता है, जैसे मान लो कि ट्रांसफॉर्मर 11,000 के केवी से क्या अपना ट्रांसफॉर्मर जुड़ा हुआ है, जिस साइड जुड़ा हुआ कौन सी कुंडली जुड़ा हुआ, प्राथमिक। जहाँ से हमें आउटपुट मिलेगा, एक तो क्या इनपुट और आउटपुट, जहाँ से इनपुट आ रहा है और आउटपुट मिल रहा है, जहाँ इनपुट प्राथमिक और आउटपुट सेकेंडरी। तो 11 kV की लाइन आ रही है ट्रांसफॉर्मर के अंदर जा रही है, उसके अलावा हमें सेकेंडरी से क्या मिल रहा है, आउटपुट। जैसे मान लो 3-phase ट्रांसफॉर्मर 433 वोल्टेज मिल रही है, यानी 500 वोल्टेज, तो हो क्या रहा है, वोल्टेज का स्टेप डाउन हो रहा है। तो किस तरह से होता है, क्या कुछ बीच में विद्युत तार जुड़े होते हैं, या फिर क्या कुछ बैठा हुआ है इसके अंदर जो कम करता है वोल्टेज, खा जाता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। इसमें क्या होता है कि चुंबक बनता है, और जैसे कि जो वो कहते ना कि जितना खाएगा उतना चलेगा, जितनी शक्ति एनर्जी होगी उतना ही तो काम करेगा ना, ठीक है। इसकी हमारी कैपेसिटी मान लो जितनी कैपेसिटी है, मैं कैपेसिटी के अनुसार तो कार्य करूँगा, तो ट्रांसफॉर्मर में जो जितनी कैपेसिटी होगी उसकी जो कुंडली में जितने घेरे होंगे तो घेरे के अनुसार क्या चलेगा, जैसे कि EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, वोल्टेज मात्र क्या होता है, EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो EMF का जो मात्र चुंबक के अंदर पड़े तो वो होता है एम्पियर टर्न, जो MMF होता है मैग्नेटोमोटिव एम्पियर टर्न। तो EMF का होता है वोल्ट, MMF का होता है एम्पियर टर्न। तो उसी आधार पर क्या होता है, EMF क्या होता है कि जैसे कि मान लो कि पानी की टंकी है, EMF बनेगा सेकेंडरी के अंदर, तो जैसे कोई पानी की टंकी है, इसके अंदर क्या भरा हुआ है, पानी। अब यहाँ इसकी जो टोटल लगी होती है ट्रेन कॉक, ठीक है, इसको हम चालू करेंगे तो इसमें क्या निकलेगा, इसका पानी का प्रवाह हो जाएगा। तो क्यों होता है, क्योंकि इसके अंदर क्या है, फोर्स है, बल है, तो इसका क्या होता है, पानी का प्रवाह हो जाता है और टोटल से बाहर निकल जाता है। तो उसी तरह से जो ट्रांसफॉर्मर होता है, ट्रांसफॉर्मर जहाँ से इनपुट देंगे, जैसे मान लो यहाँ इनपुट दे रहे हैं और यहाँ से ले रहे हैं हम आउटपुट, तो यह तो जाएगा अपना इनपुट, रही हो जाएगा आउटपुट। मान लो कि यहाँ 11 kV की हम क्या दे रहे हैं इसमें इनपुट, और यहाँ मिल रहा है हमें 433 वोल्ट, ठीक है। तो रीजन क्या होता है, यहाँ से वोल्टेज क्या हो गई, कम, तो कौन सा ट्रांसफर हो जाएगा, ये स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। तो रीजन क्या होता है, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर हो गया, ठीक है। अगर इसको हम मान लो कि यहाँ हम जैसे कि सप्लाई दे दें 11 kV, ठीक है, और यहाँ ले लें हम 33 kV, तो कौन सा हो जाएगा, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। तो हम पढ़ रहे हैं 11 kV से क्या ले रहे हैं, 433 वोल्ट हैं, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। तो रीजन क्या होता है, यही तो देख रहे थे कि किस तरह से वोल्टेज कम होती है, ये क्या होता है, कौन करता है इसके, क्या कोई स्टेबलाइजर होता है, या फिर कोई सिस्टम होता है, या फिर कोई रोटेटिंग सिस्टम होता है जिसके माध्यम से वोल्टेज कम हो जाती है। तो देखते हैं कैसे होता है, क्या है इसके अंदर, क्या होता है, जैसे मान लो प्राइमरी है, इसके अंदर क्या है, कुंडली है अपनी, इसके अंदर क्या बनेगा, चुंबक, क्या बन गया यहाँ पर, चुंबक यानी कि फ्लक्स, यहाँ बन गया अपना फ्लक्स। तो किस में बना, सिर्फ प्राइमरी के अंदर, हमें सप्लाई किससे मिल रही है, सेकेंडरी से। जब प्राइमरी के अंदर फ्लक्स बन रहा है और सेकेंडरी से भी सप्लाई हमें क्या मिल रहा है, ईएमएफ मिल रहा है, यहाँ ईएमएफ सप्लाई किस में दी थी हमने, प्राथमिक। दोनों में कोई कनेक्शन नहीं है, दोनों में कोई कनेक्शन नहीं है, ये एक जो कोर है उसके ऊपर लिपटी हुई है कुंडली, ये भी कोर के ऊपर लिपटी हुई है, जबकि इसके बावजूद भी इसमें क्या आ रहा है, EMF बन रहा है और हमें सप्लाई मिल रही है। तो इसमें होता क्या है, यहाँ जब चुंबक बनता है ना तो एक नियम चलता है फैराडे का, ठीक है,
फिर रहेगा विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम, फिर रहेगा विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम। तो उस नियम के आधार पर क्या होता है कि पहले तो नियम क्या होता है, इस नियम का मतलब होता है कि फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम के अनुसार किसी एक कुंडली में सप्लाई देने पर, किसी एक कुंडली में सप्लाई देने पर उसके पास में रखी दूसरी कुंडली में क्या बन जाता है, ईएमएफ। तो कौन सा नियम हो जाता है, फैराडे का विद्युत चुंबकीय नियम, या फिर इसे बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्शन, अन्योन्य प्रेरण, पारस्परिक प्रेरण या सह प्रेरण स्वयं के द्वारा। तो जो फैराडे का जो अन्योन्य म्यूचुअल इंडक्शन का जो नियम है उसी आधार पर क्या होता है, एक कुंडली में सप्लाई दिया देते ही उसके पास में रखी दूसरी कुंडली में क्या बन जाता है, ईएमएफ बन जाता है। तो यानी कि यहाँ जो फ्लक्स बनेगा, तो जो कोर होगी, ठीक है, जैसे ये क्या अपनी कोर, कोर के ऊपर दोनों को वाइंडिंग हो रखी है कुंडली, ये प्राइमरी और सेकेंडरी। अब इसमें हमने ईएमएफ दिया, ठीक है, तो यहाँ क्या बना फ्लक्स। तो इस फ्लक्स के माध्यम चुंबकीय बल रेखा होगा, क्या इस कोर के माध्यम से क्या होगा, विस्तार होगा, और इसके अंदर भी क्या बन जाएगा फ्लक्स, इस कुंडली में क्या बन गया फ्लक्स बन गया, यानी कि यहां भी फ्लक्स बना। अब यह फ्लक्स जो हो गया किस पे निर्भर करेगा, जो टर्न है ना, जैसे कि मान लो इसमें है 100 टर्न, इसमें 50 टर्न, जो फ्लक्स है वो टर्न प्रति टर्न क्या होता है, बराबर होता है। अगर इसमें 100 टर्न है और फ्लक्स बन रहा है 20 वेबर, ठीक है, कितने टर्नों में, 100 टर्न के अंदर, तो प्रति टर्न क्या रहता है, फ्लक्स का अपना क्या रहता है, बराबर। तो अगर हमें वोल्टेज का क्या करना है, स्टेप डाउन, तो यहाँ क्या रखेंगे, टर्नों की संख्या हम कम, जैसे कि यहाँ 100 है तो यहाँ कितनी कर दी हमने 50, तो यहाँ जैसे कि 100 वोल्टेज थी तो यहाँ कितनी हो जाएगी 50 वोल्टेज, यहाँ 200 वोल्टेज थी तो यहाँ कितनी हो जाएगी 100 वोल्टेज। वो हो गया फ्लक्स के आधार पर, यानी टर्नों की संख्या के आधार पर। मैंने कहा था ईएमएफ क्या होता है, यानी कि जो एमएमएफ क्या होता है कि एम्पियर प्रति टर्न, यानी जो टर्न है उनके अनुसार क्या रहेगा, अपना वोल्टेज बनेगा। तो यहाँ जो क्या बन गया फ्लक्स, अब देखो इसमें क्या रीजन है कि जो दोनों कुंडलियाँ हैं वो आपस में जुड़ी हुई नहीं होती है। कई बार बच्चों ने क्वेश्चन किया है कि सर जो ट्रांसमिटिंग कुंडलियाँ होती है वो क्या आपस में जुड़ी हुई होती है, क्या उनमें कुछ संबंध होता है, संबंध इसमें जुड़ा नहीं होता, यानी संबंध यही होता है कि दोनों कुंडलियाँ किस पे होती है, लिंब के ऊपर, यानी जो कोर होती है उसके ऊपर की जाती है, ना कि आपस में जुड़ी हुई होती है। जुड़ी हुई किसकी होती है, ऑटो ट्रांसफॉर्मर की, आपस में कुंडलियाँ किससे जुड़ी होती है, ऑटो ट्रांसफॉर्मर, जो भी सामान्य ट्रांसफॉर्मर कुंडलियाँ क्या होती है, अलग अलग होती है। इसके अलावा बात करें हम ईएमएफ की, यहाँ बन गया कौन सा, सेकेंडरी के अंदर, तो किसके अनुसार, अब देखो यहाँ इसमें दो कंडीशन बन जाती है, एक तो स्टेप डाउन और एक स्टेप अप की, तो वो देखते हैं इसके अंदर अब। और नियम की बात करें तो नियम कौन सा हो गया फैराडे का, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। सिद्धांत की बात करें, एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया कि ट्रांसफॉर्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो सबसे पहले तो बात करें फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम के आधार पर, इसे बोलते हैं हम अन्योन्य प्रेरण, म्यूचुअल म्यूचुअल इंडक्शन, पारस्परिक प्रेरण। ये किस सिद्धांत क्या इसका वह सिद्धांत, ट्रांसफॉर्मर का सिद्धांत, यानी फैराडे विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम, अन्योन्य प्रेरण, म्यूचुअल इंडक्शन या पारस्परिक प्रेरण, जो सामान्य ट्रांसफॉर्मर होता है उसका क्या हो गया सिद्धांत। अगर एग्जाम में जब भी क्वेश्चन पूछा जाए आपसे कि ट्रांसफॉर्मर के सिद्धांत पे कार्य करता, तो आपका आंसर रहेगा तो जब फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण है तो ये आपका आंसर रहेगा। इसके अलावा अगर आपको दिया जाए बुक में कि फैराडे का चुंबकीय प्रेरण का नियम, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेट या फिर मैग्नेट का चुंबक, फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम, अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए कि ट्रांसफॉर्मर, जो सामान्य ट्रांसफॉर्मर होता है उसकी दोनों कुंडलियाँ किस रूप से जुड़ी होती है, ट्रांसफॉर्मर की दोनों कुंडलियां आपस में किस रूप से जुड़ी होती है, एक हो गया विद्युतीय रूप, एक हो गया विद्युत चुंबकीय रूप से। तो मैंने कहा था कि सामान्य जो ट्रांसफॉर्मर है उसकी दोनों कुंडलियां आपस में, दोनों कुंडलियां किस रूप से जुड़ी होगी, ये हो गया एक कुंडली यानी प्राइमरी और सेकेंडरी, किस रूप से जुड़ी होगी, तो आपको आंसर देना है कि चुंबकीय रूप से, जिस तरह की ये
तो किस रूप से जुड़ी हुई है, केवल और केवल चुंबकीय रूप से। अगर क्वेश्चन आ जाए कि ऑटो ट्रांसफॉर्मर, यानी कि ऑटो ट्रांसफॉर्मर की दोनों कुंडलियां आपस में किस तरह से जुड़ी होती है, तो फिर आपका आंसर रहेगा विद्युत चुंबकीय रूप से। सामान्य ट्रांसफॉर्मर के तो अंदर आपका आंसर होना चाहिए ओनली चुंबकीय, केवल चुंबकीय रूप से जुड़ी होती है, जबकि ऑटो ट्रांसफॉर्मर के अंदर क्या होगा, विद्युत चुंबकीय रूप से। देखो ऑटो ट्रांसफॉर्मर का डायग्राम बना के देखते हैं हम। ठीक है, यह मान लो इसको प्राइमरी, और इसी के हो जाए क्या अपनी सेकेंडरी वाइंडिंग, ये कौन सा हो जाएगा अपना ऑटो ट्रांसफॉर्मर, यानी कि ऑटो प्रेरणा मित्र। ठीक है, तो इसमें कौन सा आ जाएगा विद्युत चुंबकीय रूप से, विद्युत चुंबकीय रूप से, जबकि यहां बात करें तो यहां क्या रहेगा, केवल और केवल चुंबकीय रूप से जुड़ी होती है। बस आपको हमेशा काफी बार क्वेश्चन पूछा गया ये कि सामान्य ट्रांसफॉर्मर की दोनों कुंडलियां किस रूप से जुड़ी होती है, विद्युत चुंबकीय रूप से, जबकि ऑटो ट्रांसफॉर्मर की दोनों कुंडलियां किस तरह से जुड़ी होती है, विद्युत चुंबकीय रूप से। तो ये हो गया ट्रांसफॉर्मर की दोनों कुंडलियां किस तरह से जुड़ी होती है, किस तरह से कार्य करती है। अब बात करते हैं वोल्टेज की, जो ट्रांसफॉर्मर होता है उसमें वोल्टेज कैसे बढ़ती है और कैसे घटती है। अब हम यहाँ जो ट्रांसफॉर्मर का जो अपना स्टेप अप और स्टेप डाउन का जो नियम जो किस तरह से होता है वो देखते हैं। उसमें आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि जो सामान्य ट्रांसफॉर्मर है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण, यानी कि पारस्परिक म्यूचुअल या फिर अनोन्य प्रेरण, और ट्रांसफॉर्मर क्या बोलते हैं, प्रेरणा मित्र। ठीक है, ट्रांसफॉर्मर का मतलब क्या होता है, यानी कि ट्रांसफर करता है, किसको ट्रांसफर करता है, ये विद्युत यानी जो वोल्टेज होती है उसको। अगर कहते हैं कि ट्रांसफॉर्मर बदलता है, ट्रांसफॉर्मर बदलता है तो किसको बदलेगा, ये वोल्टेज और धारा को। अगर हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मर ट्रांसमिशन करता है तो वहाँ आएगा शक्ति। ठीक है, अब बात करते हैं वोल्टेज यानी कि ऊंचाई, स्टेप अप, स्टेप अप, यानी कि वोल्टेज का क्या होगा यहाँ पर, वोल्टेज और धारा का स्टेप अप। इसे हम डायग्राम के माध्यम से देखते हैं। कुंडलियां कितनी रहेगी अपनी, वही दो कुंडली, प्राथमिक और सेकेंडरी, और दोनों कुंडलियां किस रूप से जुड़ी होगी, चुंबकीय रूप से। अगर ऑटो ट्रांसफॉर्मर की बात करें तो वहां कुंडलियां किस रूप से जुड़ी होगी, विद्युत चुंबकीय रूप से। इसे जोड़ देते हैं हम सप्लाई से एसी स्रोत। ठीक है, तो ये हो जाएगी अपनी प्राइमरी, यहां जोड़ देते हैं लोड से। ये क्या हो जाएगा अपना सेकेंडरी वाइंडिंग। ठीक है, अब यहां टर्न की बात करते हैं तो यहां मान लेते हैं हम 100 टर्न, जो एन है, टर्न की संख्या कितनी है, 100 लपेटे, यहाँ कुंडली में 50 लपेटे। ये हो गया अपना NP और ये हो गया NS यानी कि टर्न। यहाँ 50 लपेटे हैं और यहाँ 100 लपेटे, जैसे कि आपको देखने में पता चल रहा होगा यहाँ क्या हो रही है, आधी टर्न ओवर क्या हो रही है, आधा। और मैंने जैसे कहा था कि फ्लक्स क्या होता है, प्रति टर्न बराबर, जो फ्लक्स बनेगा, जो EMF बनेगा वो क्या रहेगा, प्रति टर्न बराबर। अगर एक टर्न में 5 वोल्टेज है, ठीक है, एक टर्न में 5 वोल्टेज है, 5 वोल्टेज है, तो टर्नों की संख्या जिसकी एक टर्न कितना है, और इसमें वोल्टेज का मान दे रखा है 5 वोल्ट, मैं कह दूं कि 100 टर्न है टोटल, तो क्या करेंगे हम, 100 × 5 तो कितना हो जाएगा, 500। इस तरह मैं कह दूं कि 50 टर्न है, प्रति टर्न क्या रहेगी, वोल्टेज बराबर, तो यहाँ हो जाएगा 50 × 5 तो कितना हो जाएगा, 250 वोल्ट। तो यानी कि प्रति टर्न क्या रहती है, हमेशा वोल्टेज सेम रहती है। तो यहां पर टर्नों की संख्या स्टेप हम पढ़ रहे हैं, स्टेप अप। ठीक है, तो अगर यहां पर टर्नों की संख्या क्या बना दी हमने, कि जैसे कि
अधिक 100 और यहाँ 50, तो कौन सा नहीं हो जाएगा, स्टेप डाउन। तो यहाँ कर लेंगे हम स्टेप डाउन, ठीक है, कौन सा हो जाएगा, सॉरी यहाँ स्टेप अप, तो स्टेप अप में क्या रहेगा, जो सेकेंडरी उसमें ट्रांजिशन क्या रहेगी, अधिक। तो सबसे पहला पॉइंट रहेगा स्टेप डाउन। तो यहाँ पर मान लो कि 100 टर्न है और प्रति टर्न वोल्टेज मानते हैं, जैसे मान लो टोटल वोल्टेज कितनी है, इसके अंदर मानते हैं 500 वोल्ट, तो यहाँ कितनी हो जाएगी, 250 वोल्ट। तो कौन सा हो जाएगा, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के में क्या हो जाएगा कि यहाँ टर्न क्या हो जाएगी, 100 और 50। अब स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर ट्रांसफार्मर रेशो के का मान निकालते हैं, तो के का मान क्या हो जाएगा, हमेशा इसमें जो ट्रांसफार्मर रेशो के अंदर होता है, हमेशा जो ट्रांसफार्मर रेशो का मान निकालना, तो इसमें नियम चलता है एन एस बटा एन पी बराबर, इसमें दे रखा है वोल्टेज, तो ई एस बटा ई पी, ये क्या हो जाएगा, ट्रांसफॉर्मेशन रेशो का निकालने का फॉर्मूला। अब यहाँ देगा जो हमें टर्नों का रेशो निकालना है, तो के बराबर एन पी का पहले देगा एन एस, तो 50/100, तो 1/2, तो यानी कि 0.5, कौन सा है, स्टेप डाउन। तो K का मान जो होगा ट्रांसफॉर्मर रेशो का मान क्या होगा, कि स्टेप डाउन के अंदर इकाई से कम, हमेशा ट्रांसफॉर्मर रेशो का मान क्या होता है, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर के अंदर इकाई से कम। तो ये तो हो गया अपना स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। अब पढ़ते हैं स्टेप अप, सॉरी इस पे पहले क्या है, यहाँ पर स्टेप अप लिखा के आ गया था, और डायग्राम किसका, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर का। तो अब पढ़ेंगे स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। इसे बोलते हैं ऊंचाई ट्रांसफॉर्मर। तो स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर वही रहेगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है, बट इसमें हमें क्या करना है कि जो प्राथमिक और सेकेंडरी है उसमें घेरों की संख्या क्या करनी हो, बदलनी। जैसे कि हम इसको इस साइड जोड़ देते सप्लाई से, यहाँ दे दिया हमने सप्लाई, तो जिस साइड सप्लाई देंगे कौन सी बन जाएगी, प्राइमरी। तो यहाँ हम घेरों की संख्या मान लेते हैं एन बराबर सौ, और जहाँ से हम सप्लाई दे रहे हैं यहाँ तो हो जाएगा अपना इनपुट, और ये हो जाएगा अपना आउटपुट। तो जहाँ से आउटपुट ले रहे हैं वो कौन सी, सेकेंडरी वाइंडिंग, और यहाँ 100 कह रहे हैं तो यहाँ कर देते हैं हम 200, कि कौन सा ट्रांसफॉर्मर, स्टेप अप, यानी स्टेप अप है। तो स्टेप अप में यानी कि प्राथमिक क्या रहेगी, घेरों की संख्या कम, और सेकेंडरी में क्या रहेगी, घेरों की संख्या ज़्यादा। क्यों रख दें, क्योंकि प्रति टर्न क्या रहती है, वोल्टेज अपनी बराबर। अगर हम यहाँ पर मान लो कि 100 वोल्टेज ले रहे हैं, या फिर जैसे यहाँ कितने वोल्टेज ले लिया हमने, 500 वोल्ट, ठीक है। तो यहाँ 500 वोल्टेज, देखो ट्रेंड, देखो यहाँ पर अनुपात, देखो इसका 100 का कितना हो रहा है, दुगुना, तो यहाँ कितना हो रहा है, दोगुना, तो यहाँ वोल्टेज क्या होगी अपनी, दुगुनी, तो यहाँ हो जाएगी 1000 वोल्ट। तो कौन सा हो जाएगा, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। इसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन जो रेशो है उसका मान निकालते हैं के का, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, एन एस बटा एन पी बराबर ई एस बटा ई पी, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्मर में रेशो निकालना है, तो सबसे पहले एन एस का मान देते कितना है, जो यह हो जाएगा अपना एन एस और एन पी, ठीक है। एन एस का मान है 200/100, तो ये हो जाएगा 2/1 अर्थात 2। तो हमेशा जो स्टेप अप, यानी इसमें नोट आपको ध्यान ही रखना है कि जो स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर है, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर है, उसमें के का मान क्या होता है, हमेशा इकाई से अधिक, क्या होता है, इकाई से अधिक। जो के का मान है स्टेप अप ट्रांसफॉर्म क्या रहेगा, इकाई से अधिक। जबकि डाउन, जो स्टेप डाउन है, ठीक है, स्टेप डाउन के अंदर क्या रहेगा, के का मान हमेशा इकाई से कम रहेगा, यानी कि जो
ट्रांसफॉर्मर रेशियो का मान है इकाई से कम, ये हमेशा फिक्स है। इकाई से कम स्टेप डाउन, इकाई से अधिक स्टेप अप। ठीक है, आज की क्लास यहीं तक। बाकी जो ट्रांसफॉर्मर संरचना है उसकी कार्यप्रणाली उसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।